देर नहीं बची, एक और सच छुपाई। क्या? मैं कभी बाहर नहीं बच सकती। नहीं ये बात कोई चांस नहीं कि मेरा अपना बेबी हो जो मेरी गोद में खेले। मैं पता है माँ ये बात शादी के पहले से ही पता थी, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। शादी से पहले पता थी? अब क्या किया देव ने? मुझे दो फोन, मैं बात करता हूँ। इधर दो ना। सोना तू जानती है देव से अच्छा जीवन साथी तुझे नहीं मिल सकता था। तू बहुत लकी है बेटा जो देव जैसे इंसान तेरे पति है। ये आप क्या कह रही है? तूने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया और आप कह रही हो हमारा रिलेशनशिप एक झूठ पे खड़ा। हाँ झूठ कहा, लेकिन किस लिए कहा ये भी तो सोच ना बेटा। उसने तेरे लिए झूठ कहा, अपनी माँ से झूठ कहा। सुना मुझे एक बात बता, अगर तुझे पता होता कि तू कभी कंसीव कर ही नहीं सकती तो क्या तू देव से शादी करती? नहीं करती बेटा। लेकिन इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद उन्होंने तुमसे शादी की, तुझे सही मायने में अपना जीवन साथी बनाया। तुम लोगों का रिश्ता इस रास पर नहीं बल्कि देव की हिम्मत पर टिका है। सुना बेटा रो मत ना प्लीज। मुझे पूरा यकीन है कि देव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे बड़ी से बड़ी बात हो जाए लेकिन वो तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश कर बेटा। उनके लिए कितना कितना मुश्किल होगा ये सब करना, लेकिन उन्होंने सिर्फ तेरे लिए किया। मैं तो बस भगवान से इतना प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, तुम्हारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। और देख ईश्वरी जी तुझे कितना प्यार करने लगी है। मुझे पूरा यकीन है जब तू उनसे ये बात शेयर करेगी ना तो वो तेरी इस बात को समझेंगी। एक औरत के नाते, एक माँ होने के नाते तुझे ब्लेम नहीं करेंगी वो। देव से बात कर और तुम दोनों अभी जरा आराम करो। सुबह आराम से बैठ कर ईश्वरी जी से ये बात कहना। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रख बाबा, रोना मत, प्रॉमिस कर। चल रखती। हमेशा सोचता था कि जो तेरी पूजा करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें क्या मिलता होगा। आज तक तूने सिर्फ दुख दिया है मुझे, मेरी माँ की खुशियां छीन ली उससे। सोनाक्षी कहती है कि मैं झूठ कह रहा हूं। ऐसे शुरू होगा हमारा नया साल। मुझे समझ में नहीं आती कि सब लोग तुझे क्यों इतना मानते हैं, क्यों इतना प्यार देते हैं, अपने घर में जगह देते, अपने दिल में जगह देते। सब लोग तुझे जो भी मानते हो, तुझे कुछ नहीं मानते। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देव तो उठ क्यों गई? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल जाओ पर आंखें बंद करके लेट जा। इतनी देर से आंखें बंद ही तो थी मेरी, अब जाके खुली है। लग रहा है जैसे गहरी नींद से जागी हूँ। माँ लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे देखने का मन किया। तू यहाँ क्या कर रहा है मंदिर में? मेरा भी तुझे देखने को मन किया, लगा तू सो रही होगी इसलिए तेरी फेवरेट जगह पे आ गया। परेशान है? बता मुझे। नहीं माँ
बस ऑफिस की थोड़ी टेंशन। आ मेरे पास। माँ तो बच्चों का आईना होती है, पर आईने से कभी कुछ नहीं छुपता। बच्चों के सुख दुख, मन के सारे राज माँ तो यूं ही भाप लेती है। फिर तो अब बहुत बड़ा हो गया है ना, आईने पर पर्दा डालना सीख लिया है तूने। इधर देख, बता मुझे क्या बात है। कुछ नहीं माँ, पता है जब तू सर पे से हाथ फेरती है ना, तो सारी परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाती है। तो सच में नींद सी आ रही है। मेरी तरफ देख, तू सच में नहीं बताएगा? हाँ, मेरे आईने को ना चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कल तेरा टेस्ट करवाते हैं और तेरे लिए चश्मा बनवा देते हैं। चारों बच्चों के चेहरे पढ़ते पढ़ते तेरी नजर कमजोर हो गई। कैसे बता दूं कि तेरे लिए ही परेशान। एक रात और चैन से सो जा माँ, कल सुबह तो तुझे पता चल ही जाएगा। माँ के लिए सिर्फ सच जानना काफी नहीं होता देव, बेटे के मुंह से सच सुनना जरूरी होता है। पर तू इतना मजबूर है कि बस आंखों से कह के रह गया। तो माँ यहाँ क्या कर रही है? चल के आराम कर। आजा चल, आजा। आशा, तुम देव की तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें अभी भी उसकी असलियत समझ में नहीं आई? वो कितना बड़ा झूठा है ये भी समझाना पड़ेगा क्या? अब बाबा प्लीज, देव बाबू के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो सोना के पति है। तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए? उस फ्रॉड इंसान की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। बाबा देव बाबू इज अ गुड मैन, उनके जैसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो। तुम लोगों के सामने सारा सच है, उसके बावजूद तुम लोग देव की साइड ले रहे हो। सॉरी बाबा, लेकिन आप अपने दामाद को समझ ही नहीं पाए। सॉरी देव बाबू, लेकिन अब ये बात मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। अब कौन सा सच बताना रह गया है? कुछ बोलेगा आगे? बाबा आपको पता है ना कि मैं और सोना बिजनेस के लिए फाइनेंस ढूंढ रहे थे। ये बात जब देव बाबू को पता चली तो उन्होंने मुझे बुलाया, 5 करोड़ रुपए का चेक लिख के दिया और प्रॉमिस लिया कि ये बात मैं किसी से ना कहूं। क्या हुआ विजय, कहाँ गया आपका गुस्सा? इसीलिए कहती हूँ अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो, कुछ भी कहने से पहले जरा सोचो। देव से अच्छा लाइफ पार्टनर शोना को नहीं मिल सकता था। उन्हें शादी से पहले पता था कि शोना कभी माँ नहीं बन सकती थी, फिर भी उन्होंने शादी की शोना से। इतना बड़ा सच अपने अंदर छुपा के रखा सिर्फ शोना के लिए, क्योंकि अगर ये बात सामने आ जाती तो शायद शोना भी उनसे शादी नहीं करती। प्लीज विजय, अपने अंदर ये जो नफरत है ना, इसे निकाल। I'm sure कि देव बाबू मेरी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। Dev, I think I'm ready. तुम माँ नहीं बन सकती, can't conceive. Dev. सॉरी किस लिए? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पता है देव, लड़की अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकती है, हर सपने को पूरा कर सकती है। माँ बाबा ने भी मुझे यही सिखाया और मैं कभी फेल नहीं। लेकिन माँ होने के सपने मैं फेल हूँ। अभी मैं ऐसे ही रहूंगी, इनकम्प्लीट, अधूरी। चुप, कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो तुम? चुप रहो, तुम कंप्लीट हो। यू कंप्लीट मी? मुझे बच्चे बच्चे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ हो, इतना मेरे लिए काफी है। अब तुम बताओ मिस बोस, एम आई नॉट इनफ फॉर यू? काफी नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए? सोनाक्षी, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी, बाकी कोई हो ना हो, बस तुम मेरे साथ रहना। और ये बुरा वक्त है,
लेकिन है तो वक्त ही ना, गुजर जाएगा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपने जो किया वो सब मेरे लिए किया, और मैंने क्या किया सबको कुछ भी बोलती। सॉरी। इट्स ओके, मैं तुम्हारा देव हूँ, तुम्हारा देव, तुम मुझे जो मन है बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन माँ को तो बुरा लगेगा, मैं चिंता नहीं कर सकती देव, क्योंकि क्या बीतेगी, आपको मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस है, मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ, हमें माँ को सब कुछ बताना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो सो रही है ना? अभी नहीं, लेकिन सुबह मुझे उन्हें बताना ही होगा। चलो अब तुम भी आराम करो। सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। नहीं, नींद नहीं आएगी देव, मैं माँ को जाके बता देती हूँ। सोनाक्षी, सोनाक्षी रुको, अभी सुबह सुबह ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी रिलैक्स करो। मैं इस गिल्ट में नहीं रह सकती, मैं जाके माँ से बात कर लेती। अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। ठीक है माँ। माँ कहाँ गई? रसोई में होगी। माँ, देख माँ कहाँ है? कमरे में भी नहीं है। पता नहीं, वही देखने के लिए मैं रसोई में गया था, मगर रसोई में भी नहीं। मामी जी। माँ वॉक पे गई है क्या, आपने देखा? सुबह 5 बजे से तो मैं भी उठी हुई हूँ, पर जीजी तो कमरे से बाहर नहीं आई अब तक। हाँ, आपको भी नहीं बताया, बिना बताए ऐसे इस वक्त माँ तो कभी नहीं जाती। अरे कहीं तुम दोनों ने माँ को तो नहीं देखा? नहीं, हम तो अपने रूम से आए हैं। क्या हुआ जीजू? सोनाक्षी ने मुझसे झूठ बोला ना, कल सुबह वो देखेगी एक माँ क्या कर सकती है। मामी जी क्या हुआ? मामी जी अब रो क्यों रही हैं? हाँ बहुत बढ़िया, मार मार के पहले किसी को भरता बना दो, उसके बाद जब वो हाय हाय करे ना तो उससे पूछो कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें। क्या बोले जा रही हो अब, क्या हुआ क्या? अरे सही बोल रही हूँ, सब कुछ ना इसका किया धरा है, देखो कैसे भोली बन के पूछ रही है मामी क्यों रो रही है। मामी जी क्या किया सोनाक्षी ने, अब बताएंगी? अगर आपको माँ के बारे में कुछ पता है तो प्लीज बताइए। क्या बताऊँ बेटा, तुझे तो पहले से सब पता है ना, दीदी को भी पता चल गया। अरे क्या पता है? यही कि ये झूठी है, कल रात ही पता चल गया था उन्हें कि उनकी लाडली बहू ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है, इसने झूठ कहा कि ये पेट से है।
ये भी पता चल गया कि तू कभी मां नहीं बन सकती है। सबके साथ धोखा किया इसने, बेवकूफ बना रही थी सबको। मेरी जीजी इतनी दुखी थी, देव बेटा जैसे जैसे उनके सर पे इतना पहाड़ गिर गया था, जैसे उन्हें पता चला ना कि उनके आंगन में कभी फूल नहीं खेल सकता, उनकी तो जैसे जान ही सूख गई थी। और अब मेरी जीजी घर से गायब है, कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ 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 उल्टा सीधा कर बैठे। सोना तो प्रेग्नेंट नहीं है, इतना शॉक की मेरी, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। हाँ कहाँ होगी, आईने पर पर्दा डालना सीख लिया है तूने, बता मुझे क्या बात है? देव मतलब माँ को रात से ही पता था, इसलिए वो मुझसे पूछ भी रही थी कि क्या बात है, मैं बता दूँ उसे, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। कहाँ होगी माँ, बस ठीक हो, माँ घर छोड़ के चली। हे भगवान मेरी जीजी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने मत देना। जीजी क्या कहोगी माँ, ठीक हो? देखो टेंशन मत लीजिए माँ। हाँ हाँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जीजी मरे या जिए, इसीलिए देव से कह रही हो ना कि जीजी की चिंता ना करे। मम्मी जी क्या बोल रही हैं, इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं, इस वक्त माँ को ढूंढना। देव चले गए, अब मैं क्या यहाँ बैठ के टिंडे छीलूंगी। अरे रुको मैं भी आ रही हूँ। देव देव रिलैक्स, मैंने कहा ना वहां मिल जाए, जस्ट रिलैक्स। हटो थोड़ा साइड हटो, चाय खेना और अपना मूड ठीक कर लो। बात मूड ठीक करने की नहीं है आशा, मुझे सोना की चिंता हो रही है। अभी उसने ईश्वरी जी को सच बता दिया होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा उन्होंने। एक काम करो ना, तुम फोन लगा के पता करो ना, उसने सच बता दिया होगा। सोना ने कहा है ना कि वो फोन करेगी, तो वेट करो ना, बार बार ऐसे फोन करना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता का क्या मतलब है, हमारी बेटी है, ठीक है उसकी शादी हो गई है तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म थोड़ी हो जाती। उसने कहा है ना वो फोन करेगी, तो वेट करो, फोन बिल्कुल नहीं करना। भाई साहब, भाई साहब आपने इन्हें कहीं देखा? आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए ना प्लीज। आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं मैम, सॉरी। बाबा? हाँ बाबा। सुनो बेटा, क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों लग रही हो, सब ठीक है ना? बाबा कल रात को माँ को सब पता चल गया था, वो घर छोड़ के चली गई, इसलिए हम सब बाहर हैं, उन्हें ढूंढ रहे। सुना बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना वेट मत करो, अब हो गई ना सब गड़बड़। बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा पहले हमें माँ को ढूंढ लेने दो, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सुना मुझे पता था ये होगा। क्या पता था, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चलो अभी जल्दी यहाँ से। कहाँ, क्या हुआ? आशा जिस बात का डर था वही हुआ है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ईश्वरी जी को कल रात को ही सच पता चल गया, वो घर से चली गई। मुंह पे हाथ मत रखो, समय नहीं है, चलिए जल्दी चलो। कमिश्नर साहब, मैं देवव्रत दीक्षित बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी माँ का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है, हमने सब जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आप प्लीज़ कुछ भी कीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, मगर मेरी माँ को ढूंढिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ मेरे पास फोटो है, मैं भेजता हूँ। ओके थैंक यू। Thank you.
भगवान जी, सब यही कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आप कोई रास्ता निकालते हैं। माँ हमसे नाराज, लेकिन वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उन्हें समझा लूँ। मैंने माँ की तरह आपकी पूजा तो नहीं की, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिरेकल्स होते हैं। प्लीज भगवान, अब बस आप ही मेरे होप हो। प्लीज मुझे अपनी माँ से मिला दीजिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.